उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटों से तबाही मचा रहा है आंधी और बारिश। ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो वहीं किसान होली जैसे बड़े त्यौहार पर एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, क्योंकि किसान अब मार्केट और महाजनों का पैसा निपटाए या अपनी बीवी बच्चों के लिए कपड़े और घर का साजो सामान खरीदे, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि दो दिन से हो रहे बारिश के साथ ही तेज़ कड़कड़ाती बिजली और आसमान से गिर रहे ओले ने भी कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिससे इस कहर ने किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। क्या नाम है आपका? रामदेव जी। ये कौन सा गांव है? खजरी। नुकसान है, नुकसान है, जो तो सब पट्टे हुए हैं, सब लोटी हो गए, ओले फोले गिरे हैं, बरसा भई है गंभीर। 2000 रुपया जो मोदी साहब तो बेऊ नया, 1 रुपया दूसरा फार्म भरो, अब कैसे होली को आई जाती तो होली को मन जाती। अच्छा, आपने जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसमें आपने फार्म भरा था क्या? दो फेरा। पैसे अभी तक नहीं आए? नहीं आए एक बार। अच्छा, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी वर्षा होने के कारण किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, दुखी है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उसको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सर्वे करा के बीमा कंपनियों को आदेश करके उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो समस्या का सामना करना ना पड़े। किसान पहले से ही परेशान है, गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है, होली का त्यौहार है और इस समस्या को लेकर किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, क्योंकि गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और इस समस्या को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इस समस्या को लेकर अहम कदम उठाया जाए और किसानों को जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका मुआवजा दिलाया जाए। जय जवान जय किसान। आपका क्या नाम है? सना सिंह। जी, बारिश होने के कारण आपकी कितनी फसल नष्ट हो गई है? बहुत नष्ट हो गई। अच्छा, मतलब पूरा खेत खराब हो गया? पूरा खेत चला गया। अच्छा, काफ़ी नुकसान हुई है? काफ़ी नुकसान हुआ, 3 एकड़ हुआ है इधर। अच्छा, उत्तर साइड। तो आपको जो सरकार मुआवजा देनी चाहिए? अब भाई उसकी मर्जी है, वो देंगे या ना देंगे, हमें तो झेलनी है। जी जी, धन्यवाद। क्या नाम है बाबा? ऐसा है, जो वर्षा हुई है इससे आपकी पूरी फसल चौपट हो चुकी है? पूरी फसल चौपट हो चुकी है। अब कैसे आप होली का खर्चा करेंगे और अपना त्यौहार कैसे मनाएंगे, क्या लगता है आपको? जैसे पूरी सरकार को आपको मुआवजा देना चाहिए, मतलब सरकार आपको मुआवजा देना चाहिए कि आपकी फसल नष्ट हो चुकी है। ठीक है भैया।